की तरफ से अब तक पूरे टूर्नामेंट में बढ़िया बैटिंग परफॉर्मेंस जरूर देखने को मिला है वैभव के बल्ले से। जी हाँ थैंक यू अंपायर प्ले। जी हाँ प्ले। चलिए दोनों ही अंपायर हमारे बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए पहली ओवर लेकर विशाल हमारे नजदीक आते हुए पहली गेंद फुल टॉस गेंद फ्लैटेड गेंद जरूर कहूंगा। बढ़िया फील्डिंग डायरेक्ट हिट अगर होती तो वहां पर यकीनन एक विकेट जरूर मिल सकती थी, लेकिन अच्छी सोच में जरूर कहूंगा यहां पर पावर प्ले की ओवर। नीरव अपनी टीम की तरफ से मैं जरूर कहना चाहूंगा कि पावर प्ले की एक खास बात है कि केवल तीन फील्डर जो है वो 30 यार्ड सर्कल के बाहर रह गए। पहली गेंद पर कवर्स के ऊपर एक रन आसानी से यहां पर मिलता हुआ मैं कहूंगा, इसी के साथ अपना और टीम का खाता खुलता हुआ। फाइनल का ब्रिलियंट स्टार्ट, ब्रिलियंट बॉलिंग, ब्रिलियंट बैटिंग, ब्रिलियंट फील्डिंग, ब्रिलियंट रनिंग। जी हाँ इसीलिए तो वो फाइनल तक है क्योंकि सभी चीज यहाँ पर सभी अच्छे लेवल पर क्लियर करके अपने आप को यहाँ पर दोनों ही टीम रखते हुए देखना होगा बेस्ट वर्सेस बेस्ट ये मुकाबला। फिर से एक बार फुल टॉस गेंद जरूर थी वहां पर, फिर से कवर्स की दिशा पर खेल दिया फील्डर वहां पर मौजूद एक रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई दो रन। जी हाँ बिना किसी नुकसान पर दो गेंदों पर। फिर से एक बार वैभव आ चुके हैं इनफॉर्म बैट्समैन पिछली मैच के मैन ऑफ द मैच के दावेदार मैं जरूर कहूंगा यहां पर बढ़िया अंदाज में बैटिंग परफॉर्मेंस करते जहां जा जाते। फिर से एक बार फुल टॉस गेंद थी इस बार अंपायर का इशारा जरूर देखना होगा नो बॉल। जी हां अंपायर नो बॉल एक वार्निंग शायद मुझे ऐसा लग रहा है यहां पर देते हुए। जी हां एक वार्निंग बीमर के लिए एक वार्निंग यहां पर देते हुए मुझे ऐसा लग रहा है अगर दूसरी बार करेंगे तो ओवर जो है वो आपकी कैंसिल हो सकती है। जी हाँ चलिए और फाइनल की पहली फ्री हिट चलिए देखना होगा यहां पर एक लाइसेंस मिलता हुआ हाथ खोलने का एक मौका यहां पर मिलता हुआ फ्री बर्ड की तरह आकाश में उड़ने का एक मौका यहां पर बल्लेबाज को मिलता हुआ देखना होगा यहां पर फायदा उठाते हैं कि नहीं इसी फ्री हिट का। बहुत ही सुपर बॉलिंग यहाँ पर यॉर्कर लेंथ डिफिकल्ट टू हिट देखिए फ्री हिट वाली गेंद कितनी बढ़िया गेंद थी मैं जरूर कहूंगा लगातार इसी टप्पे पर आपको गेंदबाजी करनी होगी अगर वैभव जैसे बल्लेबाज को आपको खामोश रखना है कुछ उसी अंदाज में यहाँ पर गेंदबाजी जरूर करनी होगी। देखिए होगा फिर से एक बार पावर प्ले में अब तक देखिए बेस्ट वर्सेस बेस्ट यहां पर इसलिए मैं कहता हूं क्योंकि पावर प्ले में मुझे ऐसा लग रहा है दो गेंद अभी भी बाकी है लेकिन दो बड़े शॉट आने चाहिए कि नहीं। यस बाय यू मिस आई हिट क्या बात है वाइड लेने जा रहे थे कौन सा प्रयास था मुझे समझ में नहीं आया लेकिन गेंद बहुत बढ़िया थी भाई क्या बात है डीजे तीन विकेट अगर लेंगे तो 2100 रुपया यहां पर से कैश प्राइस। कौन से शॉट का प्रयास कर रहे थे थोड़ा समझ में नहीं आया लेकिन गेंद बहुत बढ़िया थी वन ऑफ द बेस्ट बॉल ऑफ द टूर्नामेंट था ये लेग स्टंप पे परफेक्ट यॉर्कर वेरी डिफिकल्ट टू हिट। चलिए पांच गेंद हो चुकी है 6 रन अब तक स्कोरबोर्ड पर अब तक इस टूर्नामेंट में पहली ऐसी फाइनल ओवर यहां पर दिख रही है कि जिसकी पहली ओवर पावर प्ले वाली ओवर पहली ऐसी दिख रही है जिसके 5 गेंद पर अब तक बड़े शॉट नहीं लगे देखना होगा लास्ट गेंद पर बड़े शॉट लगते सैनिक भाई आ चुके जाने जाते बड़े शॉट लगाने के लिए अब तक इस टूर्नामेंट में
सबसे ज्यादा रन करने वाले वन ऑफ द प्लेयर में जरूर कहूंगा, इनफॉर्म बल्लेबाज में जरूर कहूंगा। इस बल्लेबाज को जब जब मौका मिला है, जहां जहां मौका मिला है, अपने समाज की ओर से बढ़िया परफॉर्मेंस करता है। श्रेणी पहली पटकी हुई गेंद, मौका वहां पर मिल चुका था, यानी कि बढ़िया शॉट, चार रन के साथ समाप्त किया है इस ओवर को। हैट्रिक, अगर हैट्रिक लेंगे तो 2100 रुपए का यहां पर से कैश प्राइज रखा गया है दिलीप भाई की तरफ से। चलिए मिस स्टील की तरफ से 1100 रुपया। भाई कोई भी फील्डर अंदर जाके बॉल नहीं पकड़ेंगे। गोविंद भाई बाहर आने देना, इधर आपको पची आप चले गए तो ओवर डालने के लिए। एक ओवर 10 रन एक विकेट के समाप्त पर मैं जरूर कहूंगा। यहां पर श्रेणिक भाई यहां पर बढ़िया अंदाज में बैटिंग करते हुए अपनी टीम की तरफ से एक छोटी बॉल मिली नहीं कि बड़े शॉट उन्होंने लगाए नहीं, बढ़िया गेंद जा रही थी मैं जरूर कहूंगा। अगली ओवर लेकर विकास यहां पर आ चुके हैं, अपनी टीम की तरफ से मैं कहूंगा एक ओवर 10 रन। बढ़िया गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद में जरूर कहूंगा, अच्छी शुरुआत यहां पर, एक ओवर एक बॉल 11 रन। दोनों ही टीम में जरूर कहूंगा बढ़िया अंदाज में बैटिंग परफॉर्मेंस करके, गेंदबाजी करके, अच्छी फील्डिंग करके मैं जरूर कहूंगा यहां पर फाइनल तक आ चुके हैं दोनों ही टीम। एक ओवर एक बॉल 11 रन, फिर से एक बार स्ट्राइक पर आ चुके हैं श्रेणिक। फाइनल में जो कप जीतेगा उनको भूप सिंह की ओर से 3100 रुपया। चलिए जो फाइनल के विनर रहेंगे उनको भूप सिंह जी की तरफ से 3100 रुपया कैश प्राइज। काफी सारे कैश प्राइज यहां पर आ चुके हैं मैं जरूर कहूंगा हैट्रिक लेने पर। 6 for 4 पर चलिए थोड़ी सी मिस फील्डिंग जरूर हुई, रन वहां पर मिलने वाले हैं। जी हां, फायदा उठाते हुए मिस फील्डिंग का। फिर से एक बार मैं जरूर कहूंगा मिस फील्डिंग के साथ स्ट्राइक जो है वो रोटेट होते हुए फिर से श्रेणिक भाई के पास पटकी हुई गेंद थी, इस बार बड़ा शॉट लगा देते लेग साइड की ये गेंद थी, अंपायर का इशारा। जी हां वाइड बॉल, शॉट ऑफ द लेंथ लगातार लेग साइड पर लेंगबाजी गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज में जरूर कहूंगा श्रेणिक भाई वहां पर बढ़िया अंदाज में बैटिंग करते हैं, देखा है हमने उनको। चलिए फिर से एक बार गेंदबाज हमारे नजदीक आते हुए, इस बार अमेजिंग, क्या बात है, बड़ी विकेट, गेंद इतनी अच्छी नहीं थी लेकिन भाग्य के साथ यहां पर मिलता हुआ गेंदबाज को क्लीन बोल्ड करते हुए, चलिए बैकफुट पर कर दिया है मेहता वॉरियर्स की टीम को ये बड़ी विकेट में कहूंगा यहां पर, बड़ी मछली जाल में फंसाते हुए गेंदबाज। ब्रिलियंट फ्लाइट थी एंड श्रेणिक जी ने यहां पर फ्लाइट मिस कर दिया और बॉल सीधा स्टंप पर। यहाँ टीम के ओनर्स खुश है, हमारे सेक्रेटरी साहब खुश है इस विकेट से मैं जरूर कहूंगा। बढ़िया यहां पर गेंदबाजी, देखिए इस बार
दूसरी बार ऐसी गेंदबाजी देखने को मिली। एक समय ऐसा था कि हेमल भी ऐसी गेंद चूके थे, फ्लाइटेड गेंद थी, लो फुल टॉस थी और बड़े शॉट लगाने के प्रयास में क्लीन बोल्ड हो चुके थे हेमल, कुछ उसी अंदाज में यहां पर भी श्रेणिक भाई इनफॉर्म बल्लेबाज जो कि फ्लाइटेड गेंद थी, बड़े शॉट आसानी से, इतना समय था उनके पास हेमल भाई कि पहले चाय पीते फिर वो शॉट खेलते जहां उनको खेलना होता, इतना समय था। लेकिन फुल मार्क्स टू विकास जी, उन्होंने डेयरिंग करके श्रेणिक जी जैसे स्ट्रॉन्ग बल्लेबाज को इतनी फ्लाइटेड गेंद डाली और उनका रिवॉर्ड मिला उनको। जी हाँ, विकेट के माध्यम से यहाँ पर बैकफुट पर लेकर आए हैं मेहता वॉरियर्स की टीम को। मैं जरूर कहूंगा यहाँ पर एक अच्छी यहाँ पर मोमेंटम क्रिएट कर चुके हैं अपनी टीम के लिए। जरूर देखना होगा, पूरा कारोबार जो है वैभव के बल्ले पर आ चुका है। जी हाँ, अपनी टीम की तरफ से मर मिटने के लिए मर्मिक वहां पर आ चुके हैं। एक पार्टनरशिप की आवश्यकता जरूर, अगर यहां से एक अच्छे टारगेट की ओर जाना होगा, अगर एक स्कोर की ओर जाना होगा तो देखिए फिर से एक बार वहां पर बढ़िया कीपिंग उत्कर्ष फाइट के माध्यम से अतिरिक्त रन यहां पर आता हुआ। जी हाँ, चलिए मीरा भाईंदर के जिला अध्यक्ष में कहूंगा, वैसे हमेशा हमारे साथ बने रहते सुख और दुखों में, हमारे सबसे लाडले वैसे रवि व्यास जी कुछ पल में यहां पर उपस्थित होने वाले हैं। जी हाँ, हमारे मुख्य मेहमान, मीठे मेहमान, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष पद पर सुशोभित एडवोकेट रवि व्यास जी, नगर सेवक सुरेश जी खंडेलवाल जी हमारे बीच में पधार चुके हैं। मैं मीरा, हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष, हमारे आज के मुख्य मेहमान माननीय एडवोकेट रवि व्यास जी, हमारे विभाग के नगर सेवक, हमारे सबके लाडले लोकप्रिय सुरेश जी खंडेलवाल जी हमारे बीच में पधार चुके हैं। मैं मीरा भांडे स्टील मैन्युफैक्चर और ट्रेडर एसोसिएशन की तरफ से और हमारे चेयरमैन और सभी अध्यक्ष और मीठे मेहमान की ओर से और पूरे क्रिकेट टूर्नामेंट के जितने भी ऑडियंस की तरफ से मैं तहे दिल से उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हेलो, जरा आवाज बढ़ाओ उधर से, माइक का आवाज बढ़ाओ उधर से। अपना फाइनल मैच में सब प्लेयरों का उत्साह बढ़ाने के लिए अपने जिला अध्यक्ष श्री रवि व्यास जी यहाँ पे पधारे हैं। मैं दो तीन बार इनके ऑफिस में गया मगर ये इतने बिजी रहते हैं अभी आजकल जिला अध्यक्ष बनने के बाद कि बिल्कुल इनको टाइम नहीं रहता है। मैंने इनको फोन भी किया और इनके खास जो है वो मेरे लड़के खास दोस्त है कोबरा और अपना पिंटू, उनसे भी मुलाकात करने की कोशिश की। बाद में मैं खुद गया, मैं और नरेंद्र भाई मोदी जो हम दोनों गए थे ऑफिस में, तब भी नहीं मिले। हमला अभी सर से फोन से काम चलाना पड़ेगा। तो आज सुबह से मैंने करीबन 4-5 फोन आज कर लिए। साहब ने मेरे को बोला कि हेमचंद भाई आपका इन्विटेशन मेरे को मिल गया है, मैं आता हूँ 12 बजे आता हूँ, ठीक है 12:30 बजे आता हूँ, 1 बजे आता हूँ, मगर तो भी अपना जो कीमती समय आज जिला अध्यक्ष बनने के बाद इनके ऊपर बहुत जवाबदारी बढ़ गई है। तो हम जानते हैं कि अपन अपनी
लिए उनको बुलाएंगे, पर उनको भी अपने लिए टाइम तो होना चाहिए, तो भी अपना कीमती समय निकाल कर जो वहाँ पे बता रहे हैं, उनका खूब 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 धन्यवाद देता हूँ मैं। अरे हेमचंद भाई, इतना व्यस्त कार्यक्रम छोड़ी ने आया चा, घनी मोटी वस्तु चा अपने माटे। रवि व्यास जी, कोई भी प्रोग्राम में बहेंद्र मीरा बहेंद्र में छोटी से छोटी सत्यनारायण कथा हो, बड़ा से बड़ा प्रोग्राम हो, इनको इनविटेशन मिलने के बाद में ये कहीं नहीं जाते, ऐसा होता ही नहीं है। अरे अपने स्टील एसोसिएशन के प्रोग्राम में रवि जी और खंडेलवाल जी नहीं आवे, ये कैसे हो सकता है? मैं इन दोनों को धन्यवाद देता हूँ भाई, हमारा मान बढ़ा के आप आए। वही वैसे वही मैं बात बोलना चाहता हूँ, अगले साल भी मैं गया था इनको इनविटेशन देने के लिए इनके ऑफिस में, अपना सीसना गली, तब इनकी माता जी वहां पे बैठी हुई थी और ये आउट ऑफ थे, बारगांव थे, ये आउट ऑफ थे, तभी भी उनको रही व्याचे बारगांव से मेरे को फोन आ गया कि आपका इनविटेशन मिल गया है, मगर मैं नहीं मिला आपको, मगर मैं आपके प्रोग्राम में बिल्कुल आ जाऊंगा। तो अगले साल भी आए थे, इस साल भी ये बता रहे, तो मैं इनका गुलदस्ते से अग्रवाल साहब को बोलूंगा कि इनका स्वागत कीजिए। भाई माइक का आवाज बढ़ाओ, जरा माइक का आवाज, ओ भाई ओ माइक का आवाज बढ़ाओ, अभी देखो माइक का आवाज। हेलो हेलो, हाँ मेहुल भाई, 23 रन 3 विकेट और 4 बॉल। सूरज भाई खंडेवाल तो जाने माने व्यक्ति है, वो कहाँ भी मिलते हैं मेरे को, दिन में एक बार दो बार या 4 बॉल भी मिल जाते हैं कहाँ भी। सुबह अभी 4 दिन पहले की बात कर रहा हूँ मैं, 6:30 से 7 बजे मॉर्निंग वॉक करके निकल रहा था साठपुर रोड पे, तब ये 7:45 बजे साठपुर रोड पे खड़े थे वो सफाई कर्मचारी के साथ में, बरोबर है, सही बात है। तो मतलब सुरेश खंडेलवाल जी, तो अभी पहले इनका स्वागत कर लो, बाद में अपने मुझसे बोलेंगे। तो हितेन भाई और रूप सिंह जी, इनका खंडेलवाल जी का हार्दिक स्वागत करते हैं गुलदस्ते से। अभी मैं मेरे छोटे मुंह से बड़ी बात नहीं करूंगा, यही अपने मुंह से बोलेंगे कि भाई मैच का अभी मजा उठाइए, लुक उठाइए, स्कोर बोलिए। 3 ओवर 25 रन 3 विकेट के नुकसान पर। चलिए मैच की ओर यहां पर आगे बढ़ते हुए, हाँ काका आज स्कोर छे 3 ओवर 25 रन 3 विकेट। वैभव अभी भी क्रीज पर मौजूद अपनी टीम की तरफ से, इतनी बढ़िया यहां पर गेंदबाजी हो रही है, मैं जरूर कहूंगा अब तक 3 ओवर में केवल 1 चौका लगा है, वो भी श्रेणिक भाई ने लगाया था। चलिए जरूर देखना होगा, धवल भाई भी बाकी यहां पर हमारे, जी हां अंपायर का इशारा, ओके पावर प्ले, चलिए बैटिंग पावर प्ले यहां पर ले लिया है, और बैटिंग पावर प्ले करने के लिए आ चुके हमारे जेनिन भाई, वन ऑफ द वर्किंग मेंबर में जरूर कहूंगा, एक्टिव मेंबर में जरूर कहूंगा। इसके पहले की मैच में बढ़िया पावर प्ले की ओवर की थी, केवल 1 सिक्स आई थी, उसके बाद 3 विकेट ली थी उन्होंने और 1 भी रन नहीं दिए थे, यानी कि 1 ओवर में 6 रन के साथ 3 विकेट लिए थे उन्होंने। चलिए जरूर देखना होगा, कुछ उसी अंदाज में यहां पर गेंदबाजी जरूर करनी होगी उनको, अपनी टीम को अच्छे स्तर पर रखने के लिए मैं जरूर कहूंगा। 3 ओवर की समाप्ति, 25 रन अब तक स्कोर बोर्ड पर लग चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर। सामने है इनफॉर्म बल्लेबाज, में जरूर कहूंगा वैभव पिछली ओवर के मैन ऑफ द मैच के दावेदार, सामना करेंगे जेनिन, जेनिन टू वैभव, देखिए पहली गेंद यहां पर उठा कर खेलने की कोशिश, देखना होगा अपील जरूर हुई थी वहां पर, थोड़ी सी चूके मैं जरूर कहूंगा। हाँ केवल 3 फील्डर बार, जरूर देखना होगा वहां पर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज वैभव अपनी टीम के लिए, अब तक बढ़िया
पहली गेंद में कहूंगा अच्छी गेंद जरूर कहूंगा वहां पर। फिर से एक बार उठाकर खेल दिया, देखना होगा संपर्क बढ़िया। ये लगा एसके क्लासेस की तरफ से शानदार फाइनल सिक्सर। दो गेंदों में 6 रन अब तक आ चुके, 12 गेंदों में 16 रन बनाकर नॉट आउट अभी भी अपनी टीम के लिए वैभव। जी हाँ बढ़िया यहां पर बैटिंग परफॉर्मेंस जरूर दिखा रहे, देखना होगा। फिर से एक बार पावर प्ले की ओवर, इस बार हल्के हाथों से खेल दिया लेग साइड पर, फील्डर वहां पर मौजूद 30 यार्ड सर्कल के अंदर, जब तक गेंद को फील्ड करेंगे। एक रन वहां पर आसानी से पूरा करते हुए सी एक रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई। 3 ओवर 2 बॉल 32 रन 3 विकेट के नुकसान पर, 3 ओवर 3 बॉल। हिरन भाई केसीटी मीटर वाले यहाँ स्टेज पे आ जाइए यहाँ पे, जरा आपको लिस्ट दिया 4 का इधर दे दीजिए। चलिए बढ़िया शॉट में जरूर कहूंगा वहां पर अंकित। जी हाँ अंकित आ चुके हैं, अक्सर गेंदबाजी करते हमने इनको देखा है, बढ़िया गेंदबाजी करते, रिच स्पिनर में जरूर कहूंगा। हिमय भाई आपने देखी कि नहीं इनकी गेंदबाजी, रिच स्पिनर। जी हाँ बढ़िया गेंदबाजी करते एकदम शेन वॉन स्टाइल। जी हाँ रिच स्पिनर, जब आएंगे तब जरूर बात करेंगे उसके बारे में, देखना होगा। फिर से एक बार, इस बार फ्लाइटेड गेंद थी, देखना होगा वहां पर अंपायर का इशारा। दिशाहीन गेंदबाजी, थोड़ी सी अंदर करनी होगी, वाइड के माध्यम से यहां पर अतिरिक्त रन आता हुआ मैं जरूर कहूंगा। गेंद अच्छी थी लेकिन थोड़ी सी वो जो वाइड की जो लक्ष्मण रेखा है, टेरिटरी है, उसके थोड़ी सी अंदर करनी होगी आपको गेंद सी अतिरिक्त रन के साथ। 35 रन अब तक स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं, देखना होगा। 3 ओवर 4 बॉल 35 रन 3 विकेट के नुकसान पर। एक बार वहां पर जरूर देखना होगा कैच हुआ कि नहीं, अंपायर का इशारा ची आउट। चलिए 1 विकेट, जीनिन भाई ओवर करने आए और 1 विकेट आए नहीं, ऐसा नहीं हो सकता यहां पे। थैंक यू डीजे। अगले बल्लेबाज के रूप में धवल आ चुके हैं, एक अच्छे स्कोर पर पहुंचना, एक अच्छे टारगेट पर पहुंचना, तो इसी दोनों बल्लेबाज को यहां पर अंत तक खेलने की आवश्यकता जरूर रहेगी अपनी टीम की तरफ से, देखना होगा। अब तक बढ़िया गेंदबाजी जैनिन भाई, पहली गेंद पर उठाकर खेल दिया, फील्डर वहां पर नीलेश के रूप में मौजूद, जानते एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा वहां पर, बढ़िया फील्डिंग करते हुए सामने कीपर के रूप में उत्कर्ष। जी हाँ चलिए इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति पर रन संख्या आगे बढ़ती हुई, 36 रन 4 विकेट के नुकसान पर। मेहुल बजाना मेहुल, डीजे मेरी मन।
करेंगे डीजे। जी हाँ, जैनिन भाई ने ये ओवर इतनी अच्छी डाली, यहाँ से पापा उनके हमारे बाजू में बोल रहे हैं, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, जैनिन भाई बोल रहे थे वहां से और करते भी हुए। जी हाँ, चलिए चार ओवर यहां पर समाप्ति हो चुकी है, 36 रन। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी नहीं करने दे रहे बिल्कुल भी, बढ़िया गेंदबाजी में जरूर कहूंगा यहां पर, इतनी आसानी से बड़े शॉट लगाने मिलने वाले नहीं, क्योंकि ये बेस्ट वर्सेस बेस्ट वाली ये टीम है। जी हाँ, दोनों ही टीम बराबरी अंकों के साथ यहां पर आ चुकी है, मैं जरूर कहूंगा। नीलेश, जी हाँ, अगले गेंदबाज के रूप में नीलेश, जो अभी थोड़ी देर पहले एक बड़ी सी थैली लेकर आए थे यहां पर मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार लेने के लिए, इतने सारे मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार उनको, देखिए पहली गेंद यहां पर उठाकर खेलने की कोशिश, संपर्क उतना हुआ नहीं, लेकिन बढ़िया विकेट कीपिंग में जरूर कहूंगा उत्कर्ष और नीलेश। जी हाँ, दोनों ही प्लेयर्स बहुत ही बढ़िया अंदाज में यहां पर परफॉर्मेंस किया है इस क्रिकेट टूर्नामेंट में, काफी लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया है, मैं जरूर कहूंगा इसी दोनों ही प्लेयर्स ने। देखना होगा फिर से एक बार नीलेश हमारे से दूर जाते हुए, धवल भाई के लिए इस बार फ्लाइट हेड गेंद थी, खेल लिया उसको लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी की तौर वहां पर मौजूद, जब तक गेंद फील्ड करेगी दो रन वहां पर आसानी से पूरा करते हुए। सुबह से हमारे फोटोग्राफर सर पप्पू भाई, योगेश भाई यहां पर सभी के बढ़िया बढ़िया फोटोग्राफी करते हुए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर से एक बार नीलेश भाई हमारे से दूर जाते हुए, धवल भाई के लिए इस बार स्क्वायर लेग की दिशा पर खेल दिया है, फील्डर वहां पर मौजूद, जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो करेंगे दो रन वहां पर आसानी से मिलता हुआ, ये अच्छी सोच में जरूर कहूंगा यहां पर धवल भाई की, कि अच्छी गेंदबाज है सामने तो बड़े शॉट लगाने का प्रयास करने के लिए डॉट बॉल करने से अच्छा जरूर रहेगा, सिंगल डबल लेकर स्ट्राइक को रोटेट करते रहना चाहिए, रन यहां पर चलाते रहना चाहिए। अब तक दो गेंदों में चार रन आए हैं, माफ कीजिए तीन गेंदों में। फिर से एक बार वहां पर उठाकर खेलने की कोशिश, इस बार अंपायर का इशारा जरूर देखना होगा, लेग बाय। जी हां, चार ओवर चार बॉल 41 रन, दो गेंद अभी भी बाकी है इस ओवर की। चार ओवर चार बॉल हो गए, ज्यादा बड़े शॉट आए नहीं, बढ़िया गेंदबाजी में जरूर कहूंगा, सभी गेंदबाज बहुत ही कंजूस गेंदबाज में जरूर कहूंगा यहां पर ज्यादा रन नहीं दे रहे, बढ़िया अंदाज में यहां पर परफॉर्मेंस करते हुए दोनों अब तक सभी गेंदबाज, चार विकेट अब तक स्कोरबोर्ड पर आ चुके हैं। धवल भाई और वैभव भाई अभी भी क्रीज पर मौजूद, मैं जरूर कहूंगा इसके बाद की ओवर उत्कर्ष की ओवर रहने वाली है। जी हाँ, अब तक पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने भी बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की है, देखना होगा। तेरह गेंदों में 17 रन बनाकर नॉट आउट वैभव, अपनी टीम के लिए यहां पर एक बढ़िया, अपने भी करण साहब और नीलेश भाई सोनी पधारे हुए, वेलकम सर, वेलकम। जी हाँ, नीलेश भाई आपका हार्दिक स्वागत है यहां पर स्टेनलेस स्टील क्रिकेट टूर्नामेंट में, मैं जरूर कहूंगा। चार ओवर पांच बॉल, फिर से एक बार बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, फील्डर वहां पर मौजूद, जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो करेंगे एक रन वहां पर आसानी से बनता हुआ। चलिए ओवर की समाप्ति, पांच ओवर की समाप्ति पर रन संख्या आगे बढ़ती हुई 4-4-4 यानी कि 44 रन पर चार विकेट। सोने की घड़वाई गले में कंठ गिर के न टोके।
रूप कति निखरा पाटरा चिकरा दमन नीचे पैरी जुती बनगी देखो चीज कसुती यगज बन पानी ले चली यगज बन पानी ले चली यगज बन पानी ले चली। श्री भाईंदर स्टेनलेस स्टील मैन्युफैक्चरर एंड ट्रेडर्स एसोसिएशन में आए हुए सभी आमंत्रित मेहमानों का तहे दिल से मैं यहां पर धन्यवाद कहता हूं। क्लासिक कप सीजन 4 में आप सभी का यहां पर हार्दिक स्वागत है। फाइनल मुकाबला यहां पर चलता हुआ मैं जरूर कहूंगा। 6 ओवर का ये मुकाबला, 5 ओवर अब तक हो चुकी है। मेहता वॉरियर्स की टीम यहां पर बैटिंग करते हुए अपनी टीम की तरफ से मैं जरूर कहूंगा, वैभव 15 गेंदों में 20 रन बनाकर नॉट आउट, 5 गेंदों में 5 रन बनाकर धवल उनको अच्छा सपोर्ट देते हुए अच्छी पार्टनरशिप यहां पर बिल्ड करते हुए। और 5 ओवर का मुकाबला यहां पर हो चुका है, 44 रन अब तक स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। अंतिम ओवर यहां पर अपनी टीम की तरफ से विशाल नीलेश भाई सोनी देखना होगा कैच वहां पर लपकना चाहिए अंपायर का इशारा। चलिए रन आउट में विकेट आता हुआ वैभव भाई यहां पर आउट होते हुए। नीलेश भाई सोनी अपना डांस कार्यक्रम छोड़ के ओ भाई बंद करो जरा और अपने यहां पे बजा रहे हुए तो मैं हितेन भाई को बोलूंगा जो हमारे स्टैंडर्ड स्टील एसोसिएशन के प्रमुख है हितेन भाई इनका गुलदस्ता से नीलेश भाई सोनी का स्वागत कीजिए। और अपने बीच ये करण साहब पधारे हैं शायद आप स्टील मार्केट में अग्रवाल जी आप जानते होंगे इन्हें बिशन सिंह विशाल यहां पर गेंदबाजी करते हुए अपनी टीम की तरफ से मैं कहूंगा यहां पर पहली गेंद पर रन आउट के माध्यम से विकेट आता हुआ ये आपको जानते हैं स्पार पेस से बीट किया मैं जरूर कहूंगा राजधानी एक्सप्रेस के वे में जाती हुई गेंद बढ़िया गेंद जरूर कहूंगा यहां पर सटीक गेंद कान के बाजू में से निकली मैं जरूर कहूंगा एक आवाज करते हुए निकली गई होगी सर करके ते करण साहब अपने बीच बता रहे हुए अपना कितने समय निकाल कर तो उनको गुलदस्ते से स्वागत कीजिए। दिलीप भाई सूरज भाई सूरज भाई स्वागत कीजिए। स्कूप यहां पर डी स्कूप शॉट खेल लिया है देखना होगा गेंद जा तो रही है कोई रोक पाएगा कि नहीं अंपायर का इशारा अच्छी हाँ ये लगा डबल स्टील की तरफ से शानदार चौका टोटल 15 मैच थी 14 मैच पूरी हो गई 8 लीग मैच थी 2 क्वार्टर फाइनल और एक फाइनल है। अभी एक बार बढ़िया शॉट कवर्स के ऊपर खेला हुआ शॉट जैनिन भाई वहां पर फील्डिंग करेंगे जी हां 2 रन वहां पर आसानी से पूरा करते हुए अपने टीम की तरफ से जैनिन भाई जैनिन करण देखिए रन आउट के रूप में मिलता हुआ ये विकेट है कि नहीं करण करण क्या बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट में जरूर कहूंगा यहां पर देखिए केवल 2 रन थे 4 रन वहां पर आता हुआ थ्री रन इसी 4 रन के साथ 50 रन अब तक स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। फिर से एक बार पटकी हुई गेंद फिर से इस बार वहां पर कैच चलिए
लीजिए रसपुरी ने पात्रा गुजराती भाई आपड़ा जिगर आ चुके अगले बल्लेबाज के रूप में मैं जरूर कहूंगा एक कैच बहुत ही बढ़िया पकड़ा था फील्डर नेम पांच ओवर पांच बॉल 53 रन छह विकेट के नुकसान पर बोल्ड क्या बात है एक और विकेट यहां पर देखिए स्टंप को लग के गेंद कहां गई है चार रन जी हां हाँ हमारे अंपायर सर वहां से देंगे उसके बाद में जरूर बोलूंगा रन है कि नहीं वो पाचन वाला हमारा नहीं चले हमारा ऑन फील्ड वाला चाल से चलिए 53 रन यानी कि 54 रन का लक्ष्य यहां पर रखा गया है साई समत की टीम को जीतने के लिए डीजे वैभव भाई मेहता वॉरियर्स के वैभव भाई आप स्टेज पर आ जाइए मेहता वॉरियर्स के वैभव भाई रवि साहब को बोलूंगा कि आपने भाई डीजे बंद रखो आधा घंटा अभी दो शब्द अपनी टूर्नामेंट के लिए बोलेंगे रवि व्यास जी हमारा मीरा भाईंदर स्टेनलेस स्टील एसोसिएशन द्वारा आयोजित हमारे इस क्रिकेट टूर्नामेंट में हमारे एसोसिएशन के चेयरमैन गढ़ा जी राजेंद्र मित्तल जी हंसु कुमार पांडे जी समस्त एसोसिएशन की कमेटी मेरे साथ में आए हुए नगर सेवक सूरज जी खंडेलवाल और हमारे प्यारे इस टूर्नामेंट में जिन्होंने भाग लिया ऐसे हमारे सभी खिलाड़ी आप सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूं और एसोसिएशन को दिल से धन्यवाद देता हूं कि इस तरीके के टूर्नामेंट का आयोजन किया जिससे हमारे साथियों के अंदर भाईचारा और टीम स्पिरिट डेवलप होती है और हमारे मीरा भाईंदर स्टेनलेस स्टील एसोसिएशन सालों से इस मीरा भाईंदर शहर के अंदर लोगों को रोजगार देने का काम कर रही है मीरा भाईंदर शहर को रेवेन्यू देने का काम कर रही है तो अपने आप के अंदर इस शहर के में आपके इस पूरे बिजनेस स्ट्रक्चर का इस एम्पायर का बहुत बड़ा हाथ है मैं आप सभी को दिल देता हूं और भाजपा के अध्यक्ष होने के नाते ये कहता हूं कि पूरी पार्टी आपकी इस एसोसिएशन के साथ में हर एक कार्य में है बहुत बहुत धन्यवाद मैं रवि व्यास आपके शुभ हाथ मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार ये मेहता वॉरियर्स टीम वैभव 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 भाई को दीजिए मैन ऑफ द मैच अपने शुभ हाथों से अर्पण करते हुए हमारे लाडले रवि व्यास जी और सुरेश भाई यहाँ पर आपको बोलना ही पड़ेगा के लिए क्यों आप तो बीजेपी के प्रवक्ता के रूप में है क्योंकि हर प्रोग्राम में आपके आते रहता हूँ मुझे मालूम है कि माइक थक जाता आप नहीं थकते हो हर प्रोग्राम में आप आता हूँ और मैं आपका प्रवक्ता के रूप में आपका मैं अनुवादन करता हूँ दो शब्द हमारे लिए बोलिए आपके लिए नहीं तो हमारे लिए बोलिए चलिए ऐसे ड्यू रिस्पेक्ट हमारे जिलाध्यक्ष रवि भाई के बाद में एक्चुअली में प्रोटोकॉल नहीं है लेकिन फिर भी आपकी विनंती के ऊपर मैं स्टेनलेस स्टील एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों को सभी यहाँ पर जितने भी खिलाड़ी हैं उनको सबको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ और एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों को जैसा कि हमारे जिलाध्यक्ष रवि भाई ने कहा कि मीरा भाईंदर के उन्नति में आपका बहुत बड़ा योगदान है आपका भाईचारा प्रेम और स्नेह इसी तरह से पूरा एकजुट होकर हमेशा बना रहे और इस तरह के आयोजन से हमारे मीरा भाईंदर में वैसे तो क्रिकेट और खिलाड़ियों के लिए बहुत सारा प्रोत्साहन की सब संस्थाएं करती है लेकिन आपकी ये एसोसिएशन जो सभी को प्रोत्साहन करती है सभी का साथ देती है इसके लिए मैं एक बार पुनः मेरी ओर से भी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ धन्यवाद जय हिंद जय महाराष्ट्र Yes, very good. Wait, one more. Thank you.
चलो सर, आज के हमारे मेहमान हेलो एडवोकेट रवि व्यास जी, नगर सेवक सुरेश जी खंडेलवाल जी, तमाम हमारे मिलते मेहमानों का मैं तहे दिल से इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हेलो, फाइनल मैच का भव्य क्रिकेट का टूर्नामेंट, एक मैच कितना रन का टारगेट दिया, 54 रन मेहता वॉरियर्स ने साई समर्थ टीम को 54 रन का टारगेट दिया है और उस टीम के दोनों ऑनर दिलीप जी घरात और पोपट भाई मंच पर सुशोभित है। देखिए आज कौन सी टीम यहाँ से फाइनल कप लेके जाएगी, दोनों ही टीम शानदार अपनी बॉलिंग और बैटिंग का प्रदर्शन करने में माहिर है। फूलों की कहानी कलियों ने लिखी, आसमान की कहानी सितारों ने लिखी और ये क्लासिक सीजन 4 का क्रिकेट का टूर्नामेंट फाइनल मैच की कहानी कौन सी टीम यहाँ से लेके जाएगी, कुछ ही पलों में वो घड़ी आ चुकी, उसका फैसला हो जाएगा कुछ ही पलों में और इस ग्राउंड के आज के इतिहास की कहानी कौन सी टीम लिखेगी कुछ ही पलों में उसका फैसला आ जाएगा। 54 रन का टारगेट मेहता वॉरियर्स ने साई समर टीम को दिया है। हेलो 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 हेलो, हेलो हेलो, चलिए जरूर देखना होगा। यहां पर 36 गेंदों में 54 रन की आवश्यकता, इनफॉर्म बल्लेबाज में यहां पर जरूर कहूंगा। नीलेश अपनी टीम की तरफ से आ चुके हैं, जी अंपायर का इशारा प्ले, जी हां पहली ओवर अपनी टीम की तरफ से। धवल भाई रिवर्स स्वीप लगाने की कोशिश, जरिए जरूर देखना होगा वहां पर फील्डर मौजूद, नहीं पहुंच पाएंगे, देखना होगा जब तक गेंद फील्ड करेंगे। 2 रन वहां पर आसानी से आता हुआ, पहली गेंद यहां पर रिवर्स स्वीप, देखिए यहां पर फिर से एक बार कैच यहां पर मिला है और एक और बार यहां पर कैच मिस होता हुआ, 2 गेंदों में 2 बार ऐसा अवसर मिला। नीलेश भाई का कैच यहां पर अगर लपक लेते पकड़ लेते इससे अच्छा और गेंदबाज क्या कर सकता है भाई, इतनी बड़ी विकेट जिगर भाई आपको पकड़ना था। हमें खेल दिया, 5 रन वहां पर आसानी से लेते हुए, 3 रन, जी हां बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट में जरूर कहूंगा, अच्छी तालमेल दोनों ही बल्लेबाज के बीच में। 31 गेंदों में 40 रन की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए, साई समर्थ यहां पर बढ़िया बैटिंग करते हुए अपनी टीम के लिए दोनों ही बल्लेबाज,
अब्बास अली और नीलेश यादव 6 गेंदों में 13 रन बनाकर नॉट आउट। चलिए सिक्स लगाए गए तो 200 रुपीज कैश प्राइस आपके लिए। हंसु भाई जी, चलिए हंसु कुमार पांडे जी 500 नहीं, चलिए सिक्सर लगने पर 200 रुपया कैश प्राइस हंसु कुमार पांडे जी की तरफ से। एक ओवर 16 रन बिना किसी नुकसान। अंकित आ चुके हैं अगले गेंदबाज के रूप में, जब जब मुझे मौका मिलता है अंकित बढ़िया गेंदबाजी करते हुए मैं जरूर कहूंगा यहां पर री स्पिनर के रूप में। बहुत ही कम ऐसे स्पिनर मिलते हैं टेनिस क्रिकेट के जगत में जो रीस से गेंदबाजी करते हैं। जी हाँ, क्योंकि अक्सर फिंगर स्पिनर आपको टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट में आपको जरूर देखने मिल जाएंगे, लेकिन री स्पिनर जल्दी इतने देखने मिलते नहीं है। ज्यादातर हमने देखा है 500 रुपए लेदर क्रिकेट टूर्नामेंट में ऐसे गेंदबाज मिलते हैं, लेकिन टेनिस क्रिकेट जगत में ऐसे गेंदबाज बहुत ही कम मिलते हैं। जरूर देखना होगा यहाँ पर 30 गेंदों में 38 रन की आवश्यकता इस मैच को अपने नाम करने के लिए, जीतने के लिए, इस टाइटल जीतने के लिए। जी हाँ, क्लासिक कप सीजन 4। एक ओवर 16 रन बिना किसी नुकसान के दोनों ही बल्लेबाज यहाँ पर बैटिंग करते हुए। स्ट्राइक पर है नीलेश। क्या बढ़िया कनेक्शन, देखिए सुपर ये शॉट, कमाल का ये खिलाड़ी है, कमाल का ये शॉट है, मैं जरूर कहूंगा। रिवर्सिप यहां पर 6 रन लगाते हुए अपनी टीम के लिए, ये लगाया इसके क्लासिक्स की तरफ से शानदार 6 रन 200 रुपीज कैश प्राइज हंसु कुमार पांडे जी की तरफ से इसी छक्के के लिए नीलेश भाई को। ओले 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 जरूर बरस रहे हैं यहाँ पर, ओले ओले ओले, कोई ना घरे होली तो कोई ना घरे दिवाली। फिर से एक बार यहाँ पर रिवर्सिप लगाने की कोशिश, इस बार इतना बढ़िया कनेक्शन हुआ नहीं। यहां पर छक्के से स्वागत जरूर किया था पहली गेंद पर, उसके बाद दूसरी गेंद पर बड़े शॉट लगाने के प्रयास में 1 रन वहां पर अंपायर की इशारा 22 के रूप में आता हुआ। जी हां, धन्यवाद अंपायर। चलिए दिलीप भाई यहां पर 3 सिक्सर पर 1100 रुपया कैश प्राइस उन्होंने रखा है। फिर से एक बार यहां पर फुल टॉस गेंद थी, इसको स्वीप शॉट जरूर खेला है, फील्डर वहां पर मौजूद, जब तक गेंद को फील्ड करेंगे 1 रन वहां पर आसानी से पूरा करते हुए। अब 28 गेंदों में 30 रन की आवश्यकता। 24 रन अब तक स्कोरबोर्ड पर लग चुके, 1 ओवर 3 बॉल अब तक हो चुके। देखना होगा फिर से एक बार इनफॉर्म बल्लेबाज नीलेश यहां पर स्ट्राइक पर आते हुए अपनी टीम के लिए बढ़िया परफॉर्मेंस करते हुए पूरे टूर्नामेंट में सबसे आगे रखा है अपने आप को। जी हाँ, सत्ताईस में 30 रन। चलिए यहां पर देखिए फील्डर वहां पर मौजूद है। जी हाँ, स्ट्रेट टू द फील्डर में जरूर कहूंगा, स्क्वायर लेग
की दिशा में खेला हुआ ये शॉट, जब तक गेंद को फील्ड करेगी, दो रन वहां पर आसानी से पूरा करते हुए। जी हाँ, फाइनल मैच में जितने भी फोर जाएंगे वो हंसु कुमार पांडे जी की तरफ से 100 रुपीज यहाँ पर कैश प्राइस। चलिए सिक्स पर तो 200 है ही। हाँ, रोकड़ा यहाँ पर दे दिया उन्होंने। देखिए यहाँ पर कैश प्राइस की बात की नहीं है और चौका यहाँ पर लगा नहीं है, अंपायर का इशारा, ये लगा दवा स्टील की तरफ से शानदार चौका। एक ओवर 5 बॉल 25 गेंदों में 24 रन की यहां पर आवश्यकता है इस मैच को अपने नाम करने के लिए। एक तरफा करते हुए यहां पर नीलेश, राज जैन, जी हाँ बिट्टू यहां पर आ चुके हैं उनके समर्थक। जी हाँ, अगर सिक्स लगाएंगे तो 500 रुपीज मेरे पास आ चुका है। नीलेश भाई आपको लगाने हैं सिक्स और 500 रुपीज लेने हैं। राज जैन उनके परम मित्र में जरूर कहूंगा, अक्सर देखा है इन दोनों बल्लेबाज को एक टीम से खेलते हुए। जी हाँ, जानता हूं मैं राज जैन को, अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम मैं जरूर कहूंगा मीरा भाईंदर के, वन ऑफ द स्टार बल्लेबाज राज। जी हाँ, 2 ओवर 31 रन अब तक स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं, 24 गेंदों में 23 रन की आवश्यकता। दो सिक्स, एक सिक्स पर, चलिए इस बार देखना होगा फील्डर वहां पर मौजूद और एक बार यहां पर बढ़िया कैच, चलिए विकेट आता हुआ। चलिए मैं जरूर कहूंगा यहां पर एक तारा तो दूसरा सितारा। जी हाँ, नीलेश भाई आउट जरूर हुए लेकिन मौका मिला है उत्कर्ष को आगे की पारी संभालने का। यहां से 23 गेंदों में 23 रन की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए। 2 ओवर 1 बॉल 31 रन 1 विकेट के नुकसान पर। देखना होगा रनआउट यहां पर, बड़ी विकेट रनआउट के माध्यम से उत्कर्ष यहां पर आउट होते हुए। चलिए
22 बॉल 23 रन, दो ओवर दो बॉल 31 रन, दो विकेट के नुकसान पर। चलिए मोमेंटम यहां पर बनता हुआ मैं जरूर कहूंगा 22 गेंदों में 23 रन की आवश्यकता। अशोक आ चुके हैं, ये फील्डिंग वहां पर, ये कैच, क्या बात है, एक और विकेट। थैंक यू डीजे। सब थक गए अभी। 21 बॉलों में 23 रन यहां पर। इस बार खराब गेंद थी, बड़े शॉट लगा सकते थे वहां पर, अंपायर का इशारा, वाइड बॉल, छिया, लगातार बढ़िया गेंदबाजी कर रहे, ऐसी गेंद ना करिए, अच्छी वापसी जरूर दिलाई आपने अपने प्लेयर्स को, अपने टीम को, यहां पर जरूर कहूंगा। और ये गेंद यहां पर छोड़ दी आपने, अगर लगा देते सब भरपाई हो जाती। चलिए देखना होगा फिर से एक बार, फिर से एक बार पटकी गेंद, एक और बार वहां पर बड़े शॉट लगाने की कोशिश, लेकिन इस बार डॉट बॉल के रूप में। साई समर टीम के ऑनर दिलीप जी घरत जी, थोड़े हौसले अभी भी आपके बुलंद है, और आपके चेहरे से मुझे लग रहा है कि आपके मन के भाव को क्या विचार है आप जरा प्रकट कीजिए शब्दों के माध्यम से। आपके जाबाज खिलाड़ी अभी भी मैदान में डटे हुए हैं, और क्या अभिप्राय है आपका, ये हम सभी सुनने के लिए बेताब है। भले हमारे दो हुक्म एक के निकल गए, लेकिन हमारे वन डी वाले बाकी है अभी भी, वन टू वाले बाकी है, वो तो खेलेंगे हमारे। अभी क्या डॉट बॉल मिला, व्हाइट 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 बॉल, ओके 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 ओके, वांदा नहीं, ओ हो हंस कुमार पांडे जी आपकी तरफ मैं बढ़ रहा हूँ। आप फाइनल मैच का एंजॉयमेंट यहाँ पर कर रहे हैं, और कौन सी टीम यहाँ से आज फाइनल कप लेके जाएगी, आपके मन के भाव, आपके विचार शब्दों के माध्यम से हम सभी ऑडियंस सुनना चाहते हैं। अगली आवाज श्रीमान हंस कुमार पांडे जी की। मैं तो यही चाहूंगा कि जो टीम अच्छी खेलेगी वो ही जीते, किसी का पक्षपात नहीं करना चाहिए, बराबर है ना। बढ़िया बढ़िया बोले, बहुत बढ़िया बोले, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के हिसाब से खेलो, जीत जाएंगे हम ये सोच के अपने दिल में रखो और जीतो। कोई भी टीम जीतेगी, ट्रॉफी तो क्लासिक देने वाला ही है ना।
जी हाँ, बहुत ही अच्छी बात कही पांडे जी ने, मैं जरूर कहूंगा यहाँ पर कि दोनों ही टीम यहाँ पर बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, जो अच्छा करेगा वो जीतेगा। चलिए पावर प्ले का ओवर यहाँ पर आता हुआ बैटिंग साइड से, मैं जरूर कहूंगा 18 गेंदों में 19 रन की आवश्यकता, 18 गेंदों में 19 रन की आवश्यकता साई समर टीम को जीतने के लिए। चलिए पावर प्ले की ओवर यहां पर, चलिए जिगर आ चुके हैं यहां पर, ओनर जिगर में जरूर कहूंगा। अठारह गेंदों में 19 रन की आवश्यकता, देखना होगा यहां पर पहली गेंद क्या बढ़िया संपर्क किया है, वहां पर कोई फील्डर मौजूद नहीं, इनसाइड आउट ये शॉट में जरूर कहूंगा, क्या बात है, हाथ खोलने का मिला मौका और बढ़िया शानदार चौका जड़ दिया यहां पर, यह लगा डबल स्टील की तरफ से शानदार चौका। फिर से एक बार बॉलर हमारे से दूर जाते हुए इस बार जगह बनाकर खेलने की कोशिश, फील्डर वहां पर मौजूद, अच्छा शॉट में जरूर कहूंगा वहां पर अब्बास अली। चलिए फिर से एक बार बॉलर हमारे से दूर जाते हुए इस बार अंपायर का इशारा जरूर देखना होगा, वाइड बॉल, जी हां यहां पर क्रिशल मैच में मैं जरूर कहूंगा यहां पर अतिरिक्त रन पर आपको अंकुश करना होगा। हाँ देखिए वो छोटे छोटे चेक तो आपने बहुत बनाए होंगे, इतने बड़े चेक कब बनाए आपने। क्या बात है, देखिए बस नाम लिखना बाकी है, कौन सी टीम का नाम रहेगा, बस उसका ही मेहनत हो रही है वहां पर। लगा के नहीं लगा, लगा नहीं लगा, फील्डर वहां पर मौजूद, देखना होगा पहुंच सकते कि नहीं पहुंच सकते, अंपायर का इशारा देखना होगा, अंपायर जी आइए, लगा डबल स्टील की तरफ से शानदार चौका, डीजे दे रहा है दुरुस्त है। चौदह गेंदों में 9 रन की आवश्यकता, चलिए इसी चौके के साथ
या थैंक यू डीजे। चलिए जरूर देखना होगा, उनके ओनर कह रहे थे कि सिंगल सिंगल वाले प्लेयर है, ये तो लगातार चौके मार रहे हैं यार, कहां गए सर, क्या बोल रहे थे। फिर से एक बार जगह बनाकर खेलने की कोशिश, इस बार देखना होगा फील्डर वहां तक पहुंच सकते कि नहीं। एक और विकेट। चलिए कोई ना घरे होली तो कोई ना घरे दिवाली। कैच किसने पकड़ा? फील्डर ने कैच पकड़ा उन्होंने, अंकित है ना शायद। चलिए नीरव जिन्होंने ये कैच पकड़ा है, चलिए जरूर देखना होगा। यहां पर उतार चढ़ाव आता है, मैंने पहले ही कहा बेस्ट वर्सेस बेस्ट ये मुकाबला, 13 गेंदों में 9 रन की आवश्यकता। देखना होगा यहां पर जीनिन भाई आ चुके हैं अगले बल्लेबाज के रूप में, जिन्होंने पहले भी एक मैच जरूर जीता है, तो उन्होंने बल्लेबाजी करते हुए गेंदबाजी बहुत ही बढ़िया रखी थी। यहां पर बैटिंग करने का यहां पर मौका जरूर मिला है उनको। देखना होगा फिर से एक बार बॉलर हमारे से दूर जाते हुए फिर से एक बार इनसाइड आउट खेल दिया है। देखना होगा फील्डर उस तक पहुंच सकते हैं कि नहीं पहुंच सकते। अंपायर का इशारा ये लगा, शानदार 4 रन का प्रदर्शन साई समर्थक टीम के जाबाज खिलाड़ी की ओर से, बहुत ही बढ़िया सुंदर ये से फाइनल का मैच यहाँ पर देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र की भाषा में कहते हैं अटी टटी का जो सामना जो ग्राउंड के ऊपर होता है वो ऐसा ही सामना यहाँ पर देखने को हमें मिल रहा है। चलिए अब केवल 5 रन की आवश्यकता। दिलीप जी घराट धीरे धीरे अपने चेहरे की मुस्कान लिए है, कॉमेंटेटर बॉक्स से उनके मुस्कान से महक रहा है। चमक 2 ओवर यानी कि 12 गेंदों में 5 रन, फेरन लवली का कमाल है। अब्बास अली देखिए एक से एक सितारे इस टीम में, मैं जरूर कहूंगा नीलेश नहीं चले तो भाई उत्कर्ष नहीं चले तो अब्बास अली, जी हाँ कितने लोग हैं मैं जरूर कहूंगा। और लगातार बढ़िया गेंदबाजी कर रहे जेनिन भाई, जी हाँ। चलिए 6 रन यहां पर दर्शकों में भारी उत्साह बता रहे भाई, 6 रन बताकर इस मैच को जीते हैं तो 5 रन चाहिए लेकिन लगाएंगे सिक्सर, ऐसा बोल रहे हाँ 500 रुपीज। चलिए पांडे जी ने कहा है अगर सिक्सर लगाएंगे तो 500 रुपीज। सामने है धवल भाई, जी हाँ देखना होगा जेनिन भाई धवल भाई आमने सामने। पहली गेंद हल्के हाथों से खेल दिया, अच्छी सोच में जरूर कहूंगा, वो कहते हैं भाई पैसे नहीं चाहिए हमको कब चाहिए, हाँ कब के लिए खेल रहे, अच्छी सोच अच्छी गेंदबाजी है, वहां पर इतना आसान बात है नहीं धवल भाई जैसे गेंदबाज को आप आसानी से सिक्सर लगा सके। अब केवल एक चौका, लगातार बोल रहे चौके को इतना रुपया, चौके पे इतना रुपया, एक चौके की आवश्यकता। फिर से एक बार पटकी हुई गेंद, देखना होगा कनेक्शन वहां पर बढ़िया है कि नहीं, डायरेक्ट हिट हो सकती है। वो बढ़िया रनिंग, बहुत ही बढ़िया रनिंग मैं जरूर कहूंगा वहां पर, दोनों ही बल्लेबाज यहां पर सूझबूझ के साथ खेलते हुए। चलिए धवल भाई अगर हैट्रिक ले गए तो 2100 रुपया। चलिए ये देखिए गैप में निकल चुकी है गेंद, जरूर देखना होगा वहां पर 2 रन वहां पर आसानी से पूरा किया। देखना होगा तीसरे रन के लिए दौड़ेंगे, नहीं एक और रन यहां पर, एक रन चाहिए खाली। कुछ ही पलों में क्लासिक सीजन 4 क्रिकेट के टूर्नामेंट का 4 का यहां पर फाइनल का, कौन सी टीम यहां से विजेता है उसका रिजल्ट कुछ ही समय में आया, 99% तो रिजल्ट आ ही चुका है और साई समर्थक की टीम यहां से विजेता के रूप में। और जब से मैं यहां पर बैठा हूं करीबन 3-4 घंटे से, हमारे जो साई समर्थक टीम के ऑनर है दिलीप की घरा जी बिल्कुल फाइनल के कप के बराबर पास में नहीं, केवल 1 रन की आवश्यकता। चलिए जरूर देखना होगा, टाइटल जो है वो अपने नाम करते हैं साई समर्थ की टीम। यहां पर मौका मिला है यहां पर कप्तान के रूप में जेनिन भाई को ये अंतिम
रन अपनी टीम की तरफ से बनाने का, ये विनिंग रन अपनी टीम की तरफ से बनाना होगा। देखना होगा दौल भाई हमारे से दूर जाते हुए, शेरिन भाई डॉट बॉल के रूप में अच्छी गेंद में जरूर करूंगा, हल्के हाथों से यहां पर एक रन बनाने की कोशिश। जानते हैं जेनिन भाई जल्दी से जल्दी इस मैच को पूरा करना है उनको, और कप को अपने हाथ में लेना, अपने ओनर को बताना है कि भाई देखिए हमने ये मेहनत की है, उसका ये रंग है। जरूर देखना होगा फिर से एक बार यहां पर ब्लॉक ऑल के रूप में ये गेंद, अच्छी गेंदबाजी मैं जरूर कहूंगा यहां पर। चलिए केवल एक रन दूर, देखना होगा अब आता है कि नहीं आता। चलिए जरूर देखते हैं, कल एक फाइनल मुकाबला था जेनिन भाई का, वो जरूर वहां पर रनर अप रहे थे, यहां पर फाइनल यानी कि जीतने का मौका मिला है। स्पार उठाकर खेल दिया है, देखना होगा एक रन पूरा होता है कि नहीं। इसी के साथ ये टाइटल अपने नाम करते हुए साई सबत की टीम डीजे Hello.